ऋषभ पंत के रनआउट होते ही विराट कोहली और गौतम गंभीर का चेहरा देखने लायक था। जी हां दोस्तों, दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ आज पंत जैसे आक्रामक खिलाड़ी का चलना बेहद जरूरी था, लेकिन पंत रनआउट के तौर पर अपना विकेट गवा बैठेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यह सब कुछ 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर हुआ, जब कोहली ने एक शॉट खेला तो ऋषभ पंत सिंगल चुराने के चक्कर में भाग पड़े। पंत की कॉल सुनकर कोहली भी नहीं रुके, लेकिन ऋषभ पंत डेंजर एंड की तरफ थे और वो समय पर अपनी क्रीज में नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद हर कोई अब ऋषभ पंत की गलती निकाल रहा है कि आखिर उन्हें इतना क्लोज सिंगल चुराने की क्या जरूरत थी। अगर कोहली ने पंत को सिंगल के लिए कॉल किया होता तो यहाँ सारी गलती विराट कोहली की निकलती, पर अब खुद ऋषभ पंत का ही कॉल था, जिसके बाद पंत काफी ज्यादा निराश होकर पवेलियन लौट रहे थे। मैच की ऐसी सिचुएशन पर जहाँ टीम इंडिया के बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं देना चाहते थे, वहाँ पर पंत ने खुद रनआउट के तौर पर अपना विकेट इस तरह से गवा दिया, जिसके बाद टीम इंडिया अब इस टेस्ट मैच को हारने की कगार पर खड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये मैच बचा पाएगी या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट जरूर करें।